जय माता दी। साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि माता रानी की कृपया से सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं नई वीडियो, नया व्लॉग लेकर आप सबके लिए उपस्थित हूँ। मैं सोमनाथ शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश से। आप सब जानते हैं कि मेरा हमेशा से प्रयास रहा है, कोशिश रही है कि आप लोगों को घर बैठे ही, विशेष तौर पर जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट में पर्यटकों के लिहाज से जुड़ी हुई सब जानकारियाँ आप लोगों को घर बैठे ही मिल जाएं तो बहुत बेहतर रहता है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ने को मिलते हैं कि मेरे द्वारा दी गई छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं आने से पहले। तो फिलहाल आप लोग सुबह सुबह के दर्शन कीजिए ये त्रिकुटा पर्वत के खूबसूरत नज़ारे, और सामने अर्धकुंवारी मंदिर और चरणपादुका मंदिर और समूचा त्रिकुटा पर्वत। ये ताराकोट मार्ग है, इस रास्ते पे घोड़ा पिट्ठू पालकी नहीं चलते हैं ज़्यादातर, और इस रास्ते में घोड़ा पिट्ठू पालकी आपको मिल जाएंगे। और ऐसे 8 फुट भी सीढ़ियों वाले स्टेयर वाले रास्ते भी आप लोग जा सकते हैं। साथियों, धूप लग चुकी है, मौसम की बात करूँ तो बहुत सुहाना मौसम है। हालांकि मैंने आप लोगों को बोला था कि 23 से लेकर 26 तक जो मौसम है बिल्कुल साफ रहेगा, ड्राई रहेगा, क्योंकि मौसम ही ऐसी चीज़ है जो हर एक ट्रैवल के लिए, यात्रा के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अगर आप आने वाले दिनों में आ रहे हैं तो सोच समझ के आइए, अपनी पैकिंग बिल्कुल अच्छे से कीजिए। गर्म कपड़ों की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जाने वाले पूछते हैं कि गर्म कपड़े ले आएँ या नहीं ले आएँ। तो ऐसे में थोड़ा सा सुझाव व्यक्तिगत ही है मेरा, अगर आप रात में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो भवन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको एक हल्के फुल्के गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़े। अदरवाइज़ बेस कैंप कटरा में आपको किसी भी प्रकार की गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप धीरे धीरे गर्मियों का जो एहसास है वो महसूस होने लगा है। तो ये छोटी मोटी जानकारियाँ आप लोगों को ज़रूरी होती हैं, वो मेरा देने का प्रयास रहता है। इसके अलावा साथियों, आप लोग इंस्टाग्राम डेली यात्रा ब्लॉग पर भी किसी प्रकार की कोई आपको जानकारी चाहिए, किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी के द्वारा भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम डेली यात्रा व्लॉग पर, और अपने संदेश के द्वारा अपने सवाल ज़रूर पूछिए। मेरी कोशिश रही कि आपके सवालों के उत्तर देने का सही समय के साथ, सही जानकारियों के साथ। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और कोई भी आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। यही कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, सुबह सुबह का नज़ारा है। माता रानी से यही प्रार्थना है कि माता रानी हम सभी बच्चों को, हम सभी भक्तों को हमेशा सुख शांति उन्नति वृद्धि समृद्धि के साथ जीवन जो है खुशियों से गतिमान रखे। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।